दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि KGF चैप्टर 3 से पहले सलार द सीज फायर रिलीज होने वाली है और सलार मूवी से एक बहुत बड़ा हिंट हमको मिलने वाला है, जिस हिंट से ये कंफर्म हो जाएगा कि रॉकी भाई अभी जिंदा है। इंडियन आर्मी के KGF पर हमले के बाद और रॉकी के समुंदर में गोल्ड के साथ डूबने के बाद KGF के मजदूर नराची माइन से तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो KGF गांव छोड़कर नहीं जाते। इधर CIA की रिपोर्ट्स को पढ़कर प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है। रमिका सेन अफ्रीका में किसी को ढूंढ रही है, लेकिन किसको ये कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि वो रॉकी नहीं कोई और है। इधर प्रेजेंट डे में एल डोराडो बुक का राइटर अनंत इनगलगी ठीक हो गया है। अनंत इनगलगी जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े को बताता है कि एल डोराडो की कहानी रॉकी की नहीं बल्कि सोने के साम्राज्य KGF की कहानी है और इस साम्राज्य को फॉरेन कंट्रीज के माफिया डॉन्स भी पाना चाहते थे। 1978 में जब रॉकी ने KGF के एम्पायर को मोस्ट पावरफुल बना दिया था, तब एक अफ्रीकन बिजनेसमैन रॉकी से मिलने KGF आता है। वो बिजनेसमैन रॉकी से डील करता है कि अगर रॉकी उसका एक काम कर दे तो वो अफ्रीकन बिजनेसमैन KGF के गोल्ड को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने में रॉकी की मदद करेगा। बदले में रॉकी को इंडिया की तिहाड़ जेल से राजा मनार नाम के एक गैंगस्टर को जेल से निकालना होगा। रॉकी मान जाता है और गैंगस्टर राजा मनार को जेल से छुड़वा लेता है। उस अफ्रीकन बिजनेसमैन के साथ मिलकर रॉकी उन सभी फॉरेन माफिया डॉन्स को मार देता है जो रॉकी के इलीगल बिजनेस पर कब्जा करना चाहते थे। रॉकी KGF के गोल्ड को पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाता है। रॉकी के इस इलीगल बिजनेस के बारे में CIA को पता चल जाता है और CIA रॉकी के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर देती है। सलार मूवी में हमको दिखाया जाएगा कि राजा मनार जेल से छूटने के बाद सलार के हाथों मारा जाता है, मतलब अनजाने में रॉकी ने राजा मनार को जेल से छुड़वा कर सलार की ही मदद की थी, क्योंकि सलार भी चाहता था कि गैंगस्टर राजा मनार जेल से बाहर आए और सलार राजा मनार को मार कर अपना बदला पूरा कर सके। इसलिए अब सलार रॉकी की मदद करना चाहता है। फिर जब सलार को पता चलता है कि इंडियन आर्मी KGF पर हमला करने वाली है, तो सलार रॉकी की मदद के लिए आ जाता है और रॉकी के ही बनाए प्लान के अकॉर्डिंग रॉकी को इंडियन ओशीन से बचा कर ले जाता है। रॉकी ने दुबई के इनायत खलील की मदद से इंडियन ओशीन से KGF का सारा गोल्ड भी निकाल लिया, जिसको लेकर रॉकी वापिस KGF आने वाला है। और KGF के मजदूर भी ये जानते हैं कि उनका सुल्तान अभी जिंदा है और वो वापिस KGF जरूर आएगा और वापिस KGF को रॉकी की KGF बनाएगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।